मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल पर मोबाइल फ़ोन में हैंड फ्री का निशान आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पर हैंड फ्री का निशान आया हुआ है। इस निशान की वजह से अगर मैं कोई भी वीडियो प्ले करता हूँ तो उस वीडियो की आवाज़ नहीं आती। आप देख सकते हैं कि ये वीडियो प्ले हो रही है, चल रही है, और इसकी आवाज़ लाउड स्पीकर पर में से नहीं आ रही। तो इस मसले का मुझे एक हल मिला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने सबसे पहले गूगल क्रोम खोलना है और गूगल की वेबसाइट खोलनी है। वहाँ जाकर आपने सिंपली सर्च करना है हैंड फ्री लाउड स्पीकर APK। चंद एप्लीकेशंस आपको नज़र आएंगी, उनमें से आपने लीज़र ऑडियो स्विचर स्विच एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, जो कि आपको प्ले स्टोर में से भी मिल सकती है। इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ स्पीकर्स पर क्लिक करना है। स्पीकर्स पर क्लिक करने के बाद जो आपकी वीडियो की आवाज़ है वो आपके लाउड स्पीकर में से आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, यार सिगरेट देना यार एक भाई। देखें अस्सलाम ये वालेकुम। आवाज़ अब लाउड स्पीकर में वालेकुम से आना सलाम शुरू हो सर गई है। बेटे। हालांकि हैंड फ्री का निशान वैसे का वैसे मौजूद है। अगर आपको नज़र ना आ रहा हो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हैंड फ्री का निशान मौजूद है। आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके ऑडियो को दोबारा स्विच कर सकते हैं हेडफोन पर भी। इसका ये फ़ायदा भी है, अगर आपने हैंड फ्री लगाई है तो फिर भी आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके इसकी वॉइस दोबारा हैंड फ्री को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ स्विच का ऑप्शन दिया हुआ है, आप स्पीकर्स पर क्लिक करेंगे तो लाउड स्पीकर में से आवाज़ आएगी, और हेडफोन्स पर क्लिक करेंगे तो हैंड फ्री में से आवाज़ आएगी। मतलब कि आप दोनों तरह से आवाज़ हासिल कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जिसको आप तक पहुँचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई।